हेलो दोस्तों, चलिए आधुनिक भारत के इतिहास में जो है कि नेक्स्ट सीरीज, जिसका कि घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज होगा जन आंदोलन, उसके आगे देखते हैं क्या सब इसमें क्वेश्चन है। इससे पहला जो कि फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। देखिए, ये क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन है, IAS 1994 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, मतलब विद्रोह हुआ? तो आंसर है नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? जी हाँ, देखिए ये दीनबंधु मित्र है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो कि 66 BPSC में भी आया हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया? तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? तो आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको विद्रोह है उसका वर्ड से ये आपको मैच करना है कि यह सब विद्रोह कब हुआ था और नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इसका क्लियर मेंशन किया गया, पवना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 में, कोल विद्रोह 1831 से 1832 में हुआ था। मुंगेर के भड़ियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा बखास्त भूमि की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आंसर है पटना हैगा, 1830 में था ये मुख्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका विद्रोह आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो आंसर होगा गुरु राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो आंसर होगा पंजाब में पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? तो आंसर होगा गारो द्वारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह एवं मजनू शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो आंसर होगा दादू मियां, सही आंसर होगा। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा केरल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो आंसर है पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो आंसर है कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो आंसर होगा खोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा बुद्ध भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो अब पहला ऑप्शन है बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। इसको जो है कि अरेंज करना है, जो कि देखिए सबसे पहला होगा बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, कच्छ का विद्रोह हुआ था, उसके बाद कोल विद्रोह, लास्ट में हुआ था संथाल विद्रोह।
सबका देखिए ये तिथि दिया हुआ है, इसको आप नोट चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आंसर होगा जॉर्ज बालो के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर होगा 1820 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कानू चांद भैरव दोनों था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कानू होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 के असंथाल भूल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कोट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि इसका सभी 1 2 3 आंसर होगा, फोर्थ नहीं होगा, इसका आंसर सी है। इसमें क्या है, भागलपुर के पास मेजर बरोज संथाल से लड़ाई में हार गए थे, गुड़को गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए? जी हाँ, ये दोनों उपाय किया गया था। संथाल प्रगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह हुआ था, भील जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ बंगाल पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? आंसर होगा गोविंद गिरी ने किया था। उलगुलन विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा गया था अब वह था? तो आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आंसर होगा बिरसा मुंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था? तो 1895 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था? तो देखिए ये बीपीएससी में आया था, प्री में कब आया था, 2016 में आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 मार्च 1900 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? आंसर होगा इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे था एक्चुअली क्या, मुंडा विद्रोह जो संबंधित था, ये देखिए यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर होगा ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझाकरण मुहैया किया था? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे है, लास्ट में है, जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र कहाँ था, बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आंसर होगा सुरेंद्र साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो सही कालक्रम क्या है? तो आंसर होगा डी। देखिए ये आईएसपीडी में पूछा गया 1999 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन हुए संथाल, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा। तो आंसर होगा 2, 3, 4, यानी कि नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा का मुंडा उड़ाओ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पवना हुआ था बंगाल में हुआ था, एका विद्रोह हुआ था अवध में, मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में, उसमें झारखंड एक साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवना विद्रोह, पवना विद्रोह हुआ था 1873 से 85 के बीच में हुआ था, एका विद्रोह हुआ था 1922 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56, तहां भगत 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, यहाँ पर जस्ट अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, अच्छा चलिए इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर है, तो एक आंदोलन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, तो कहाँ इसका, हाँ यहाँ पे एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, मालाबार तट पे हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो मालाबार में हुआ था, तो इसको भी सुमेलित करना है, यहाँ पे सब कूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूट दूसरी जगह पे है। अहम विद्रोह 1828 में हुआ था, कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, मोपलार विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, देखिए आंसर होगा सी और डी, कोल विद्रोह गुजरात में और चुवार विद्रोह मध्य प्रदेश में, ये दोनों सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नायक, ताना, भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1914 सही आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे, कुका विद्रोह हुआ था त्रिपुरा में, कुकी विद्रोह कुका हुआ था पंजाब में, ठीक है, बिरसा था आपको पता है बिहार, पवना विद्रोह बंगाल में, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो आंसर होगा जोरा नांग। इनमें वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, तो आंसर होगा एमजी लोखांडे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है, ये देखते हैं कैसे एंशियंट टाइम में, मध्यकालीन समय में और वर्तमान में शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है और हुआ था, तो उससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो आंसर होगा कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, सर विलियम जॉन्स, सही आंसर है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो जोनाथन डक्कन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो चार्ल्स विल्किंसन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया था? आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, यही दोनों सही है। इसका आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर है शिक्षा से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षाओं पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था। सेंडलर आयोग संबंधित था? तो शिक्षा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो आंसर होगा 1917 में हुआ था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निसंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर है शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था वो दिया गया था मैकाले, लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो आंसर होगा 1833 का मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ये भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्राच्यविद व आंग्लविद विभाग, ये भी तीनों सही है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था? तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, यानी कि 1830 में बेंटिक महोदय के समय में ही ये मैकाले पत्र आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में आया था। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डी के गाड़वे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो आंसर है बीजी तिलक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो आंसर है राजाराम मोहन राय ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका कौन सा सही है? इसका सही आंसर कलकत्ता मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय खोला गया था। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो आंसर होगा वेलेजली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का वर्णकमल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए, इस अधिनियम को एक और अधिनियम समझते हैं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो लॉर्ड लिटन सही आंसर है। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन सही आंसर है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक, 6 वर्ष के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने चलाया था? तो तारकनाथ दास सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता सही आंसर है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भारतीय में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू सही आंसर है इसका। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो आंसर है शिशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किस उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य तिलक जो है कि केसरी सही आंसर है, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से अनेक कारणों से अंग्रेजों की आलोचना करती थी? तो आंसर वो उपयुक्त सभी, बंगवासी, केसरी और काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किया था? तो यहाँ इसका सही आंसर है संध्या, युगांतर और काल, तीनों था आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आंसर है यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो आंसर होगा लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन का पत्र नहीं छापा जाता था? तो आंसर होगा उर्दू में। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था? होम रूल पार्टी ने किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मारदंड प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? हिंदू पैट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को संबद्ध किया? तो अरविंदो घोष सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन सही आंसर है। स्वदेश वाणी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले सही आंसर है। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से, तो इसको जो है कि सुमेलित करना यहाँ पे है। तो देखिए, भारत मित्र वो हो गया हिंदी से, राष्ट्रमत ये हो गया मराठी से, यानी कि 3-4 देखिए यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा। प्रजा मित्र वो हो गया बंगाली, नायक गुजराती, ठीक है, तो आंसर होगा सी। चलिए यहाँ पे देखिए राइट इसका देखते हैं, दैनिक आज वो श्री प्रसाद गुप्ता ने किया था, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पृथक ने बिचौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? आंसर है प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तो गांधी जी, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो पुणे, आज के पुणे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी पक्ष बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है? B.R. अम्बेडकर सही आंसर होगा, ये B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है वंदे मातरम। तो इसको फिर से मैच करना है तो डायरेक्ट इसका जो है कि आंसर है वो देख लेते हैं। चलिए इसी जगह देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ हिंदू जी सुब्रमण्य सुधारक जी के गोखले, और उसके बाद जो है कि वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी बेंगोली, बेंगोली कौन था? SN बनर्जी। चलिए इसमें भी है, नेक्स्ट जो है कि इसको मैच कर लेते हैं काल, तो प्रांजपे होगा बंगाली सुरनाथ बनर्जी, सुधारा गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्या भूषण। चलिए इसमें भी देखते हैं डायरेक्ट इसका आंसर, और इसमें नहीं दिया है तो खैर इसी जगह देख लेते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल वो जो फिरोज शाह मेहता किया था, कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट लीडर सर्च लाइट तो था मदन मोहन सचिदान सिन्हा से, और लीडर मदन मोहन मालवीय इसका दिया है। चलिए इसका दिया हुआ तो इसमें भी देखिए, लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस T.N. नायर जो कि लिखा गया था पुस्तक। चलिए यहाँ भी इसका डायरेक्ट लिख दें, अब्दुल कलाम आजाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है ये पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी द पायनियर नहीं लिखा था, ठीक है, पायनियर का जो संस्थापक था जॉर्ज एलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिकाओं से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो युगांतर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? तो खली कुछ जमान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है कौमी आवाज अब्दुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक, V.R. अम्बेडकर। तो इसका भी चलिए देखते हैं डायरेक्टर की आंसर मिला हुआ होगा। समाचार दर्पण J.C. मार्क्समैन, मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय, केसरी, बीजी तिलक, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट ने नहीं लिखा था, वो लिखा था इंडिपेंडेंट का कौन था, दादा भाई ने। नेहरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फिर से वही पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक का नाम डायरेक्ट में जान जाते द हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारा गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे फिर से बुक का नाम दिया हुआ, देखिए ये बुक्स जो है ना कि लूसेंट का बीच में दिया हुआ है, इंडिया जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो टोटल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एनिवेसेंट न्यू इंडिया, गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, मराठा केसरी, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे जो है कि पुस्तक है
यहाँ क्वेश्चन है, एनिमेशन द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ होगा और न्यू इंडिया होगा। न्यू इंडिया यहाँ पे सॉरी, यानी कि वन और टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो एनी बेसेंट सही आंसर है। चलिए इसका भी डायरेक्ट यहाँ से आंसर जान जाते हैं। ये है बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया। अरविंद घोष, वंदे मातरम। बाद बांधव उपाध्याय, सांधिया। मोहम्मद अली, कॉमरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो वंदे मातरम का जो संपादक था वो था बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर है अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो इसको भी मैच करना है, डायरेक्ट इसका यहाँ से आंसर जान जाते हैं। ऐसे दांगे, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाफ, एम सिंगरेलवी, लेबर किसान गजट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है कि टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ठीक है? तो इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। धन्यवाद।